क्या कासगंज में फिर हिंसा भड़काने में है बीजेपी सांसद का हाथ? वीडियो वायरल होने के बाद आरोपों के घेरे में आए बीजेपी सांसद, वीडियो के जरिए लोगों को भड़काने का लग रहा आरोप। उत्तर प्रदेश के कासगंज में गणतंत्र दिवस के मौके पर निकली यात्रा के बाद शुरू हुआ हंगामा थमने का नाम नहीं ले रहा। कासगंज में कर्फ्यू के बावजूद पुलिस बल को हालात काबू में करने में पसीने छूट रहे हैं, जबकि इलाके के चप्पे चप्पे पर पुलिस बल की तैनाती की गई है। कर्फ्यू जैसे हालात में हिंसा का शिकार हुए चंदन के अंतिम संस्कार के बाद फिर से भड़की हिंसा का दोष अब बीजेपी सांसद राजवीर सिंह पर लगाया जा रहा है। बीजेपी सांसद राजवीर सिंह का वायरल हो रहा है ये वीडियो देखिए और ध्यान से सुनिए वो लोगों से क्या कह रहे हैं। और मैं आपके बीच में आया हूँ और जो ये घटना घटी है इसको किसी भी कीमत पर माफ नहीं किया जा सकता। मैं जितना आक्रोश कासगंज में आज है मैंने कभी देखा भी नहीं है। इस घटना में हमारे लोगों की कहीं कोई कमी नहीं है। ये झगड़ा योजनाबद्ध तरीके से किया गया है जिसमें से एक हमारा आदमी स्वर्गवासी हो गया। राजवीर सिंह कल्याण सिंह के बेटे हैं, उन्हीं कल्याण सिंह के जो उत्तर प्रदेश के दो बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं और बाबरी विध्वंस मामले को लेकर भी विवादों में रहे हैं। फिलहाल वो राजस्थान के राज्यपाल हैं और उन्हीं की तरह उनके बेटे एटा से बीजेपी के सांसद राजवीर सिंह इससे पहले भी विवादों में रह चुके हैं। राजवीर सिंह का ये वायरल वीडियो कासगंज में फिर से हिंसा भड़कने की वजह बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि ये वीडियो तिरंगा यात्रा के दौरान हुई हिंसा के कुछ ही देर बाद का है, जिसमें बीजेपी विधायक इलाके के लोगों से बात करते नजर आ रहे हैं। इस दौरान उन्होंने लोगों से जो कुछ कहा उसे इलाके में फिर से हिंसा भड़कने की वजह बताई जा रही है। तनावपूर्ण हालात में भीड़ को शांत करने के बजाय बीजेपी सांसद पर सांप्रदायिक आग को भड़काने वाली बात कहकर लोगों को उकसाने का आरोप लग रहा है। बता दें कि भारी पुलिस बंदोबस्ती के बीच हिंसा का शिकार हुए चंदन का सरकारी आश्वासनों के बाद अंतिम संस्कार तो कर दिया गया, लेकिन इससे पहले कि चंदन की चिता की आग शांत होती कासगंज फिर से सुलग उठा। बताया जा रहा है कि अंतिम संस्कार के बाद उग्र भीड़ ने सड़क पर जमकर उत्पात मचाया। खबर मिल रही है कि भीड़ ने दो बसों को फूंक दिया, साथ ही कई दुकानों को आग के हवाले कर दिया गया और सड़कों पर भी तोड़फोड़ की गई। लेकिन पुलिस को ये बात समझ में नहीं आ रही थी कि आखिर हिंसा की जिस चिंगारी को रात में ठंडा कर दिया गया था वो सुबह अचानक कैसे सुलग उठी। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक बीजेपी सांसद राजवीर सिंह के वायरल हो रहे इस वीडियो को दोबारा शुरू हुए फसाद की जड़ बताया जा रहा है। खबर है कि पुलिस भी इस मामले की जांच में जुट गई है। इंडिया न्यूज़ वायरल की रिपोर्ट।